फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद एनी। आप सभी का स्वागत है। आज के मेरे वीडियो में आप सभी के साथ लौटा प्रोफेशनल SPF 15 का रिव्यू करूंगी, जो कि विंटर के अकॉर्डिंग और समर के अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा बेस्ट है। अगर आप भी कोई ऐसा मॉइस्चराइजर ढूंढ रही हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चर दे, SPF भी हो, तो यह आप ले सकती हैं। तो इसी के बारे में फुल्ली डिटेल से बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस, ये कुछ इस तरीके की बॉटल में आती है जो कि आप देख सकते हैं, और मुझे ये काफी ज्यादा अच्छी लगती है। काफी टाइम हो गया है मुझे इसको यूज करते हुए और मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और ये एक प्रोफेशनल है नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, तो भी आप इसे लगा सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इसे समर में लगा सकती हैं, विंटर में नहीं लगा सकती। अभी भी मैंने फेस पे यही लगाई है, विंटर में भी आप इसे लगा सकती हैं, ये आपकी स्किन को मॉइस्चर देगी। और सबसे अच्छी बात उन लोगों के लिए है जिन्हें फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं है, तो ये आपके फेस पर एक फाउंडेशन लुक देगा। तो ये काफी ज्यादा बेस्ट है और फेस एकदम व्हाइट भी नहीं होता है, फेस बिल्कुल नॉर्मल सा रहता है। यूं भी नहीं कि बहुत ज्यादा व्हाइटनेस हो गया है। सो गाइस, काफी ज्यादा बेस्ट है, आप इसे यूज कीजिए। 545 रुपीज इसकी प्राइस है। एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। गाइस, अंदर से ये इस तरीके की पंप पैकेजिंग है जो कि आप देख सकते हैं, और इस तरीके का है फाउंडेशन लुक में, और लगाते ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। और मुझे तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसे लगाने के बाद आप ये देखिए, 5 से 6 आवर्स तक अगर आप फेस पे कोई मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाती हैं, तो भी आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी, मुलायम रहेगी। और आप इसे लगाकर धूप में भी बाहर जा सकती हैं, धूप से भी आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी। तो आप इसे यूज़ कीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट, और स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम हो जाती है। सो आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकती हैं। और इससे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और कुछ भी आपको जानना है या पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट्स कर सकते हैं।